नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों में जो है वो सैमसंग गैलेक्सी A70 स्मार्टफोन है। यह फ़ोन जो है कुछ दिनों में इंडिया में जो है वो आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसको कुछ दिन पहले जो है इंटरनेशनल साइट पे लॉन्च किया गया था लेकिन प्राइस नहीं आया था। अब यह फ़ोन इंडिया में आ जाएगा और आप इस फ़ोन को जो है वो खरीद पाएंगे। हालांकि प्राइस कितना होगा इस बारे में हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन चलिए इस फ़ोन की खासियतों के बारे में बात कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन के फ्रंट पैनल में 6.7 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन दी गई है और यह सुपर एमोलेड स्क्रीन है। उसके अलावा जो बैक पैनल पे जब हम नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे कि ग्लास बॉडी दी गई है और साइड में जो है आपको सिम स्लॉट मिलेगा। यह हमने पहली बार देखा, पहले सैमसंग के फ़ोन में जो है वो जनरली नीचे की ओर हुआ करता था। USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है और वहीं पर जो है वो लाउड स्पीकर के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा जो है 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। यहाँ पे ऊपर की ओर पैनल जो है वो खाली है। कुल मिलाकर डिज़ाइन जो है भले ही 6.7 इंच की स्क्रीन है लेकिन जो डिज़ाइन जो है ना वो हमें पसंद है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है और हल्का है, आप इसे भारी नहीं कह सकते। नॉच आपको ज़रूर अट्रैक्ट करेगा, कंपनी ने इसे इन्फिनिटी यू कहा है। फ़ोन के दूसरे फीचर की हम बात करते हैं तो इस फ़ोन को जो है कंपनी ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 670 चिपसेट पे पेश किया है और फ़ोन में आपको 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यह फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड 9 पे काम करता है और कंपनी ने इसे One UI जो कंपनी का नया यूज़र इंटरफेस है उसके साथ पेश किया है। आप देख सकते हैं कि आइकॉन्स थोड़े बड़े हो गए हैं और इस और एंटरटेनमेंट के कुछ कंटेंट आ गया है। इसके अलावा ऊपर करके जैसे हम उसमें देखते हैं, स्टॉक एंड्रॉयड में देखते हैं, ऊपर स्वाइप करते हैं तो सारा का सारा जो है मेन्यू ऊपर करके सामने आ जाएगा। क्विक मेन्यू आपको यहीं पर दिखाई दे जाएगा, आप देख सकते हैं ऐसा जैसा कि सैमसंग के पुराने फ़ोन में हमने देखा है। रही बात मेमोरी की तो यह जो फ़ोन है वो 6 GB रैम के साथ उपलब्ध है जबकि इसकी इंटरनल मेमोरी जो है वो है 128 GB। इस फ़ोन को आप जो है इस फ़ोन की मेमोरी जो है आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 512 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। हाँ, अब कैमरे के बारे में बताना जरूरी है। फ़ोन का जो मेन कैमरा है वो है 32 MP का जबकि जो दूसरा सेंसर है वो है 8 MP का। इसके अलावा तीसरा सेंसर जो है वो है 5 MP का। मेन सेंसर f1.7 अपर्चर के साथ आता है जबकि दूसरा जो सेंसर है वो वाइड एंगल का काम करता है। वहीं तीसरे सेंसर की जब हम तीसरे सेंसर की बात करते हैं तो वो जो है वो डेप्थ इफेक्ट के लिए दिया गया है, यानी कि जब आप बोके इफेक्ट लेंगे काफ़ी अच्छा डेप्थ आपको देगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर स्लो मोशन, हाइपर लैप्स जैसा कि सैमसंग के अन्य फोन में देखा जाता है, आपको लाइव फोकस भी मिलेगा और प्रो मोड भी दिया गया है। इसके अलावा पैनोरामा मोड मिलेगा। फ़ोन का जो सेल्फी कैमरा है वो भी जो है वो 32 MP का है। जरा हम कैमरे से फोटो, बहुत फास्ट तो फिलहाल नहीं कर सकते, हो सकता है कि टेस्टिंग डिवाइस हो इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ, रियर कैमरा काफ़ी तेज नज़र आ रहा है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों में आपको 32 MP का जो है इसमें कैमरा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने इसे बड़ी बैटरी के साथ में पेश किया है। आपको मैं बता दूं यह जो फ़ोन है 4500 mAh यानी कि 4500 mAh की बैटरी के साथ में जो है वो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बैटरी सॉफ्टवेयर हैं वो भी आपको इस फ़ोन में मिल जाएंगे। कुल मिलाकर यह जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा है लेकिन सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है प्राइस पे। ये किस प्राइस में इंडिया आएगा यह देखने वाली बात।